हे, वेरी वेरी नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमारी रिटायरमेंट वाला जो पार्ट चल रहा था, हमने उसमें ग्रेच्युटी कवर कर लिया है, हमने प्रोविडेंट फंड भी कवर कर लिया है जिसको मैंने किटकैट का नाम दिया था। और आज की वीडियो में हम लाए हैं पेंशन। देखेंगे पेंशन की ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पेंशन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ग्रेच्युटी था, प्रोविडेंट फंड था, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें पहले भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि रिटायरमेंट के टाइम पर निकालो, तो वो भी हमने वहाँ पर देख लिया था। लेकिन पेंशन ऐसा है कि पेंशन आप पहले रिटायरमेंट से पहले नहीं निकालते हो, पेंशन जब आप रिटायर होते हो तो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पेंशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, वो हम देख लेते हैं। आप भी फटाफट से मेरे साथ ड्रॉ करते रहो। तो पेंशन या तो एम्प्लॉय को खुद को मिलेगी या उसके परिवार को मिलेगी, इन केस ऑफ डेथ। अगर वो है नहीं तो उसकी फैमिली को मिलती है। आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा है, अरे सर अब कहाँ पेंशन, कौन से जमाने में जी रहे हो। तो भैया मुझे भी पता है, लेकिन ये इनकम टैक्स में जब तक हटेगा नहीं तब तक तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, सिलेबस का पार्ट है ये। तो हमें बस ये देखना है कि अगर पेंशन मिल रही है किसी पर्सन को, अब मान लो जिस बंदे की पेंशन हो, जो कोई बुजुर्ग अंकल जी है, उनको पेंशन मिल रही है, उसकी ट्रीटमेंट तो आपको करनी आनी चाहिए ना, है ना। वो अंकल जी आपके पास आ जाए, बेटा मेरी पिछले प्रीवियस ईयर में मुझे पेंशन मिली है, जरा मेरा टैक्स भर दो, बन रहा है नहीं बन रहा है बताओ, जरा आईटीआर भर दो मेरी। फिर कैसे करोगे? पेंशन मिलना ठीक है, बंद हो गई, लेकिन पेंशन जिनकी है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ ना। और हमें प्रैक्टिकली वहां नहीं जाना, रियल लाइफ में हमें तो अपने सिलेबस से मतलब है अभी अभी थोड़ी देर के लिए। क्लियर है? तो आ जाओ फिर। तो या तो ये खुद फिर एम्प्लॉय को मिलेगा, डन। अब ये अगर ये फैमिली पेंशन जो मतलब फैमिली को मिल रहा है, तो ये फैमिली पेंशन कहलाएगा उस टाइम पर। और ये किस हेड में जाकर टैक्स होगा? आईओएस में। जिस भी पर्सन को मिल रहा है वो जो टैक्स देगा उस अमाउंट पे अगर बन रहा है, तो वो कौन से हेड में शो करेगा? आईओएस। चाहे उसकी वाइफ को मिल रहा है वो पैसा, या उसके बच्चों को मिल रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाकर शो किया जाएगा। अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो पढ़ नहीं रहे, इसको कर दो साइड। हमें तो कहाँ आना है, एम्प्लॉय की तरफ, जो सैलरी हेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो एम्प्लॉय के लिए भी अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है कि जो एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलेगा वो या तो कम्यूटेड पेंशन होगा। ये क्या नई चीज़ आ गई, अभी देखते हैं। कम्यूटेड पेंशन होगा या फिर अनकम्यूटेड पेंशन होगा। अनकम्यूटेड पेंशन, अभी क्या बवाल है भाई, इसको अभी देखते हैं। टेंशन मत लेना बस यार, सैलरी मैंने कहा था लेंदी सब वो है टॉपिक चैप्टर। ठीक है, अब इसको वो मत करो कि यार अब कैसे होगा अब कैसे होगा। मैं फिर बता दूं, जो भी मैं ये चार्ट्स बनवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको बनाओ, बस इनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो। ठीक है, चाहे देख देख के कर लो आप अभी, बाकी टेंशन मत लो। तो अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन में फर्क क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रीटमेंट क्या है। कौन सी ट्रीटमेंट? टैक्स ट्रीटमेंट। तो मैंने एक ले लिया रफ पेज, तो यहाँ पर आपका एक प्रीवियस ईयर ले लेते हैं। वैसे हमारा प्रीवियस ईयर अभी 18-19 है, लेकिन कोई भी हो, ये प्रीवियस ईयर है जिसमें आपने कमाई करी है। तो मान लो आपने काम किया यहाँ तक, इसके बाद आप रिटायर हो गए, इसके बाद आप हो गए रिटायर। यहाँ मैंने अगले पेन से लिख दिया रिटायर, आर आर फॉर रिटायर। तो आपको कितने महीने पेंशन मिलेगी? मान लो बच रहे हैं 1, 2, 3 महीने बच रहे थे, इस साल के 3 महीने बच रहे। अगले साल तो पूरे पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन इस साल तो 3 ही महीने पेंशन मिली ना, हमें अगले साल से थोड़ा ना मतलब है, हमें तो इस साल से मतलब है। तो यहाँ पे आपको 3 महीने की पेंशन मिली, हर महीने जो सरकार ने आपके लिए बांध रखी होगी, आपको हर महीने एक पेंशन मिल रही होगी। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है कि जो भी आपका जो पेंशन की गुल्लक है, जितना भी आपका पेंशन फंड है, वो आपको मंथली मंथली मिल रहा है, आप चाहो तो उसमें से मोटा माटी 50-60-70% तक जो है इकट्ठा भी निकाल सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। इमरजेंसी बोले तो वही बच्चों की शादी, लड़की की शादी है, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर घर खरीदते हैं, ऐसी कुछ इमरजेंसी के लिए आप अपने इस पेंशन के फंड को तोड़ भी सकते हो। पूरा यूज नहीं करना, करीबन 50-60% के आसपास जो है आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा पेंशन कानून के अंदर प्रावधान है, प्रोविजन है। ठीक है, तो मान लो इन भाई साहब ने 2 महीने, शुरू के 2 महीने तो पर मंथ पेंशन लिया, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ी और उस गुल्लक का कुछ हिस्सा जो है इकट्ठा निकाल लिया। तो अब क्या हुआ, अब देखो यहां पे एक ऐसी पेंशन थी जो आपको पर मंथ मिल रही थी,
और एक ऐसी पेंशन है जो इकट्ठे में मिल गई आपको, इकट्ठा बल्क अमाउंट आ गया। तो वो जो बल्क अमाउंट आया वो अमाउंट तो हो गया आपका, वो वाला पेंशन हो गया कम्यूटेड, जो आपको लमसम मिला इकट्ठे में मिला, जो आपको लमसम। और जो आपको पीरियडिकली मिल रहा है वो टाइम पर मंथ वाला, पीरियडिकली, ठीक है, वो कौन सा हो गया? वो हो गया आपका अनकमिटेड वाला पेंशन। तो जो आपको रिकरिंग बेसिस पे मिल रहा है, पीरियडिकली बेसिस पे मिल रहा है, वो तो हो गया अनकम्यूटेड। और जो आपको इकट्ठा मिल गया दैट इज कम्यूटेड, मतलब आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है कम्यूट करवा लिया, एक साथ इकट्ठा निकलवा लिया, तो वो हो गया कम्यूटेड पेंशन। दोनों में क्लियर? अब ये वाला पैसा, अगर ऐसा पेंशन मिल रहा है तो क्या होगा, और ऐसी पेंशन मिल रही है तो क्या होगा? ये वाली जो पेंशन अगर आपको मिलती है जी, इसमें तो पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। नो माफी इज देयर, कोई माफी नहीं है यहाँ पर, फुली टैक्सेबल, पूरे पे टैक्स भर दो। ओहो, कितना बेकार है ना, मतलब जितना भी आपको पर मंथ करके मिला साल भर में, उसमें पूरे पे टैक्स जाएगा। ठीक दिख रहा है ना पूरा? लेकिन अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट वाले की, तो गवर्नमेंट वाले में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, कम्यूटेड वाले में, सॉरी, कम्यूटेड वाले में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय कैसा है। वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय है या वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो इसकी तो बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले मतलब जो भी इसे कम्यूटेड पेंशन मिली वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर नॉन गवर्नमेंट हुआ तो आपको पता है इनको माफी तो मिलती है, लेकिन थोड़ी सी मिलती है। देखो, अनकम्यूटेड पेंशन में तो पूरे पे टैक्स देना है, चाहे आप गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो। माफी किस तरफ है? कम्यूटेड वाले पेंशन पे। गवर्नमेंट वालों को तो पूरी माफी है, नॉन गवर्नमेंट वालों के लिए आपको चेक करना होगा कि जो नॉन गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉई है क्या उसको ग्रेच्युटी मिला है या नहीं। इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड या इफ ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड, इज नॉट रिसीव्ड, ठीक, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, नॉट रिसीव्ड, ये नॉट रिसीव्ड है। तो यहां भी एग्जम्पशन है, कितनी है अभी बताऊंगा। एग्जम्पशन यहां भी है, मतलब माफी यहां भी है, कितनी है अभी बताऊंगा। इतना क्लियर है पहले यहां तक आ जाओ। ठीक, तो हमने देखा कि जो पेंशन है या तो वो परिवार को मिलती है या वो उसको खुद मिल रही होगी। परिवार को मिल रही है तो आईओएस में हम उसे साइड कर देते हैं, खुद को मिल रही है तो या वो टुकड़ों में मिलेगी पर मंथ करके, या जो भी 6 6 महीने करके, जो भी जिस हिसाब से भी कंपनी दे रही है, या फिर वो आपको इकट्ठे में मिल जाएगी अगर आप चाहो तो। लेकिन इकट्ठे में भी पूरी नहीं मिलती है, वो 50 60 70% के आसपास मिलती है। तो अगर आपको टुकड़ों में मिल रही है तो उस पर तो पूरे पे टैक्स भरो फटाफट से, कोई माफी नहीं है वहां पे। लेकिन कम्यूटेड है तो चेक करो कि आप कैसे एम्प्लॉय हो। गवर्नमेंट वालों को पूरे पे माफी है, नॉन गवर्नमेंट वालों को थोड़ी माफी। थोड़ी मतलब कितनी सर? तो अगर इस पर्सन को ग्रेच्युटी मिला है तो जितना भी इसका ये टोटल पेंशन था, जितना भी ये टोटल पेंशन था, यही तो टोटल पेंशन है उसका, 1/3, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, जितना भी टोटल पेंशन था उसका 1/3 आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, और दूसरी तरफ 1/2 ऑफ वही टोटल पेंशन का 1/2 आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। इस वाले रिटायरमेंट बेनिफिट में एक फायदा है कि इसमें ना वो जो छोटी छोटी सैलरी सैलरी हम निकालते थे ना, जैसे ग्रेजुएटी में था सैलरी का मीनिंग, वो सब नहीं है इसमें, अच्छी बात यह है। तो अब मुझे एक चीज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नॉन गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय के लिए मुझे बताओ, एग्जम्पशन इधर ज्यादा मिल रही है या इधर ज्यादा मिल रही है? मतलब 1/3 ज्यादा होता है किसी चीज का या 1/2 ज्यादा होता है किसी चीज का? हाफ ज्यादा होता है ना, तो मतलब इधर वाले को एग्जम्पशन ज्यादा मिल रही है। क्यों, कैसे याद रहेगा? इस बेचारे को क्या नहीं मिला? ग्रेच्युटी नहीं मिला। इसको तो ग्रेच्युटी मिला है, इसीलिए इसको पेंशन में इसको माफी थोड़ी कम दी है, इसके कंपैरिजन में इसको थोड़ी ज्यादा माफी दी हुई है, क्योंकि इस बेचारे को क्या नहीं मिला? ग्रेच्युटी नहीं मिला। ये बोलकर आपको याद आ जाएगा, अच्छा इस तरफ हाफ है और इस तरफ 1/3 है। क्लियर है? एक क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, जब तक आप इसे ड्रॉ कर लो पेंशन के बारे में जो प्रोविजन था। लो डन, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये लिया है मैं आपके लिए क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार वाला करारा,
एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 को जरा ध्यान से पढ़ो और फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 16 में बोलता है, ए जो कोई पर्सन है, ए रिटायर हुआ फ्रॉम सर्विस कब, 1 नवंबर 2018 को, आफ्टर सर्विंग 18 साल 9 महीने उसने जॉब कर ली अब तक। तो भाई साहब रिटायर हुए हैं 1/11/2018 को, मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर है, और नवंबर के आसपास यानी करीबन नवंबर यहाँ आता है, अप्रैल से गिनोगे जब नवंबर, तो कितने महीने बच रहे थे इस साल के, 11, 12, 1, 2, 3, इतने महीने बच रहे थे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पर ही वॉज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग रेमुनरेशन, उसे क्या क्या मिल रहा था, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी 25,000 रुपये हर महीने मिल रहा था उसे, डीए मिल रहा था 20% उसी सैलरी का, 20% जिसके अंदर 60% रिटायरमेंट पार्ट रहेगा। ऑन रिटायरमेंट पर ही रिसीव्ड ग्रेचुटी, 6 लाख रुपए उसे ग्रेचुटी भी मिला है, वाओ ग्रेचुटी हम सीख चुके हैं इसको कैसे ट्रीट करना है। ही वॉज ऑल्सो एलिजिबल, ही वॉज एंटाइटल टू अ पेंशन, उसको पेंशन भी मिलेगा, वो पेंशन के लिए भी एलिजिबल है, कितना पेंशन मिलेगा उसे, 12,500 पर मंथ, कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम, किस डेट से, जब वो रिटायर हुआ, सिंपल है भाई, जब वो रिटायर हुआ उसके बाद उसे हर महीने क्या मिलना शुरू हो जाएगा, पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक, कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 12,500, लेकिन फ्रॉम 1/1/2019 उसी साल, मतलब 1 जनवरी को, ये 11, 12 और मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी शुरू होने से पहले, मतलब 1 तारीख को, यहां पर इन भाई साहब के दिमाग में पता नहीं क्या आया और इन्होंने क्या कर दिया, ही गॉट 60% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड, उन्होंने अपनी पेंशन का जो भी इनकी गुल्लक में पैसे थे, पेंशन वाली गुल्लक में, उसका 60% इन्होंने क्या कर दिया, कम्यूट कर दिया, एंड रिसीव्ड किया सम 7.5 लाख एज अ कम्यूटेड पेंशन, और 7.5 लाख रुपए इन्हें एज अ कम्यूटेड पेंशन मिल गया, वो जो इकट्ठा पैसा मिला है, लमसम पैसा मिला है, वो 7.5 लाख रुपए मिला है, जो कि टोटल पेंशन का 60% है। बात समझ में आ रही है, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि टोटल पेंशन कितना होगा, मैथमेटिक्स लगाओ थोड़ी सी, ये टोटल पेंशन कितना होगा, हाँ ये 60% जो है इसको नीचे ले जाओ ना यहाँ पे, यार तुम लोग, मैं ही करूंगा मतलब, इसे भी लो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 60% बटन दबा दो, तो ये 12.5 लाख, यानी आपके इसमें 12.5 लाख रुपए का फंड इकट्ठा था आपकी पेंशन के लिए, जो आपको पर मंथ, 12,500, 12,500 करके मिलेगा, बाजार बोल रहा था, क्लियर है। लेकिन आपने बीच में कुछ हरकत करी है, क्या हरकत करी है, आपने अपने पैसे को, अपनी गुल्लक को तोड़ा है, जिसका फर्क आपके 12,500 पर पड़ेगा, मतलब आपको हर महीने 12,500 मिल रहा था, 12,500 मिल रहा था, क्योंकि आपने जनवरी में गुल्लक तोड़ी, तो अब आपको 12,500 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 12,500 ना इस 12,500 के बेसिस पर था, तो अब आपने अपनी गुल्लक में से कुछ पैसा निकाल लिया, बचा कितना है इस गुल्लक में, 40%, तो अब आपको 12,500 का भी कुछ ही हिस्सा मिले करेगा, क्योंकि जब ये गुल्लक छोटी हो जाएगी तो आपको जो पर मंथ का पैसा मिल रहा था वो भी तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये पता कर लेता हूँ, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि ये जो पैसा 7.5 लाख मिला, ये तो वो पैसा है कम्यूटेड वाला, इकट्ठा वाला, जो आपको लमसम मिलता है, और जो टुकड़ों में मिलेगा वो कौन सा पैसा है इसमें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 12,500 है। तो एक तो 12,500 और 7.5 लाख, दो पेंशन मिली है आपको, कम्यूटेड भी मिली है, अनकम्यूटेड भी मिली है। तो पहले तो मैं पता कर लेता हूँ मुझे अनकम्यूटेड पेंशन कितनी मिली है, अगर मैं देखना चाहूँ तो 12,500 शुरू के 2 महीने में पूरा पूरा मिला होगा, 12,500, 12,500 x 2, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे गुल्लक तोड़ी है तो अब आपको 12,500 पूरा नहीं मिलेगा, अब 12,500 का कितना, 40%, और कितने महीने तक, इस साल 1, 2, 3 बचे हुए 3 महीने तक, तो आपको शुरू के 2 महीने में तो 12,500 मतलब 25,000 रुपये मिले, और बाद में 12,500 का ये कितना हो जाएगा, ये 5,000, ये 15,000 बनेगा, तो टोटल आपको 40,000 रुपये तो कौन सा पैसा मिला, जो पर मंथ करके मिला, ये हो गया आपका अनकम्यूटेड, और कम्यूटेड कितना है आपका, ये हो गया आपका कम्यूटेड पेंशन, कितना, 7.5 लाख रुपये, दोनों पेंशन आपको मिली है, ये 40,000 ये, और 7.5 लाख रुपए ये क्लियर है ये वाली पिक्चर। अब करना है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोलता है कंप्यूट करो ग्रॉस सैलरी, ठीक है फॉर्मेट बना लेते हैं, आप भी बना लो अपना फॉर्मेट, मैं बनाता हूँ 2 मिनट दो मुझे, बस बन गया फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको कंप्यूट करना है ग्रॉस सैलरी, टैक्सेबल सैलरी नहीं निकाल रहा, आप चाहो तो निकाल सकते हो, करना क्या है, जो नेट सैलरी निकलता है 3 डिडक्शन घटानी है, 16(1)(a), 16(2), 16(3), उन तीनों को घटा के आप
नेट सैलरी भी निकाल सकते हो या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी भी निकाल सकते हो। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मिला? आपको मिला बेसिक सैलरी 25,000 रुपये हर महीने। यहां लिख देता हूं बेसिक सैलरी 25,000 रुपये इंटू, बता दो कौन बताएगा मुझे यहां पे क्या आएगा, इंटू कितना, 12 करूं क्या? क्या आपको बेसिक सैलरी पूरे 12 महीने मिला? नहीं, आप रिटायर भी हुए हो ना, आपने काम कितना टाइम तक किया था? इतने टाइम तक, बाकी तो आप रिटायर हो गए, तो उसके बाद तो पेंशन मिलनी शुरू हो रही थी। तो इस साल आपको बेसिक सैलरी कितना, यहां से यहां तक कितने महीने होते हैं, आप रिटायर कब हुए हो, डेट क्या रिटायरमेंट, नवंबर 1 तारीख को, तो अक्टूबर 31 तक आपने काम किया होगा, तो गिनो कितने हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ्स आपने काम किया है, मतलब आपको ये जो मिला होगा बेसिक सैलरी 7 मंथ्स, तो कितना आ जाएगा ये 25, 6, 150 और 175, कैलकुलेटर करके देख लो ठीक। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, डीए मिल रहा है 20% ऑफ सैलरी, तो डीए सैलरी मिली आपको बेसिक सैलरी 175, इसका 20%, तो इसका 10% तो होता है 17,500 और उसका डबल कर दो तो 34,000-35,000 रुपये आपको डीए मिला, फुली टैक्सेबल होता है, टाइप नंबर 3 में आता है डीए ठीक। आगे, ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव्ड अ सम 6 लाख एज अ ग्रेचुटी। ओ वाओ, ग्रेचुटी तो हमने अभी लास्ट से लास्ट वीडियो में शायद देखा था, ग्रेचुटी 6 लाख रुपये मिला है, तो ग्रेचुटी 6 लाख रुपये मिला है, तो मुझे बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, यहाँ पे क्या माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आ जाओ वर्किंग नोट बना लेंगे, पहले पता भी कर लें कहीं फुली टैक्सेबल ना हो जाए, गलत ना हो जाए। देखो मैं बताता हूँ, आप उसे खोल लो जो आपने बनाया था अपना फटाफट से ठीक, मैं आपको ऐसी याद दिलवाता हूँ। तो ग्रेचुटी का वो जो चार्ट था कुछ ऐसा था, ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या रिटायरमेंट पे मिलेगा, इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट पे मिला हुआ है, रिटायरमेंट पे मिला है तो गवर्नमेंट वाले को मिला है नॉन गवर्नमेंट वाले को, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो एज्यूम नॉन गवर्नमेंट को। अब नॉन गवर्नमेंट में एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल था या एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, कुछ भी नहीं बोला हुआ तो नॉट एप्लीकेबल। तो चुपचाप से नीचे वर्किंग नोट पर जाते हैं, यहां बनाएंगे हम वर्किंग नोट ग्रेचुटी के लिए और 3 लिमिट फिल कर देते हैं। पहली, जितनी एक्चुअल में ग्रेचुटी मिला है 6 लाख रुपये, 10 लाख रुपये की वहां पे फिक्स्ड लिमिट थी और फॉर्मूला था एक 15/30 इंटू लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी इंटू कितने साल काम किया, फ्रैक्शन इग्नोर। तो इस क्वेश्चन में काम किया 18 साल 9 महीने, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, 18 साल ही लेना है सिर्फ आपको। अब मुझे बताओ 10 महीने का एवरेज, अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि भाई आपकी सैलरी में कोई चेंजेस आया, तो अब आपको पता है कि जब वेरिएबल सेम होते हैं तो एवरेज उतना ही आता है जितना वो एक वेरिएबल होता है ठीक है। तो जब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो वो एवरेज कितने भी महीने की निकालो, 10 की 20 की 25 की, वो अपने आप में वही एवरेज के बराबर ही आएगा। तो मैं सैलरी 1 महीने का निकाल लेता हूँ सीधा सीधा। सवाल उठता है सैलरी क्या था यहाँ पे, बेसिक सैलरी था यहाँ पे प्लस डीए रिटायरमेंट पार्ट प्लस कमीशन, तीनों में एक ही महीने का लूंगा, तो बेसिक सैलरी 1 महीने का 25,000 है और डीए का रिटायरमेंट पार्ट लेना है, लेकिन डीए कितना है पहले, तो डीए तो था आपका 20% बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी 25 है तो 25 का 20% पहले बता दो, 25 का 20% आ जाएगा आपका 5,000 और 5,000 का रिटायरमेंट पार्ट 60%, तो 5,000 का 60% 3,000, बात आई समझ में। एंड प्लस प्लस कमीशन तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो ये आ जाएगा 28,000, ये 1 महीने का सैलरी आ गया है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो 10 महीने, देखो 10 से इंटू करोगे तो 10 महीने की सैलरी आ जाएगी और फिर एवरेज करने के लिए 10 से डिवाइड करो तो कट पिट के वही आएगा। तो इसीलिए 1 महीने की सैलरी निकाल लो अगर क्वेश्चन में सैलरी में बदलाव नहीं हुआ है। सैलरी में बदलाव नहीं होने का मतलब है कि कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि आपकी जो सैलरी बेसिक सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी, फर्स्ट नहीं थर्ड वीडियो, जिसमें हमने बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन सीखी थी, जहां पे हमने देखा था कि आपकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपके इंक्रीमेंट लगता है तो हो सकता है कि पिछले 10 महीने में आपका कोई इंक्रीमेंट आया हो जिससे बेसिक सैलरी में बदलाव आया हो, तो ऐसे केस में फिर आपको फिर वहां ध्यान से करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन जैसे ये 17 है, इसमें ऐसा है, इसमें आपने कंपनी को ज्वाइन किया है इस ग्रेड पेपर एंड इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्राई मारोगे इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको यहाँ पे ना 10 महीने की सैलरी, 10 महीने की एक्चुअल में 10 महीने के हिसाब से निकालनी पड़ेगी ठीक है। आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, अभी इस क्वेश्चन में कहीं पे इंक्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो 1 महीने की सैलरी ही आपकी एवरेज सैलरी 10 महीने के बराबर ही वही रहेगी।
तो 28,000 आया, ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एवरेज 10 मंथ्स का, 28,000 करके बताओ इसे, ये कटेगा टू, ये 14,000, 14,000 इंटू 18 बनेगा आपका 2,52,000, 2,52,000, विच एवर इज छोटी वैल्यू, इनमें से छोटी लोअर वैल्यू कौन सी है, 2,52,000 बस, तो इसी को घटा लो यहाँ पे, 2,52,000 आपको एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। अब आपको 6 लाख पे पूरे पे टैक्स नहीं देना, 6 लाख में से माफी कितनी है, 2,52,000, तो बचे हुए पे टैक्स देना है 3,48,000, 3,48,000 पर आपको टैक्स देना है, बच गए, बल्ले बल्ले मजे आ गए थोड़े से, माफी मिल गई ना थोड़ी। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बेसिक सैलरी हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी जो मिला उसकी ट्रीटमेंट कर ली। अब आपको पेंशन मिल रहा है, और पेंशन दो तरीके से मिल रहा है, मैंने बता चुका हूँ, एक तो आपको पर मंथ मिल रहा है जो अनकमिटेड जिसे आप कहते हैं, टुकड़े में जो मिल रहा है, पर मंथ आपको शुरू के 2 महीने तो 12,500 मिला, बाद में आपको मिला 12,500 का 40%, क्योंकि आपने 60% विड्रॉ कर लिया था, तो गुल्लक में 40% पड़ा है, तो आपको 12,500 का भी 40% मिलेगा अगले 3 महीने तक, तो पेंशन मिल रहा है ये वाले पार्ट पर, जो बेसिक बेसिक जो आपने पर मंथ लिया होगा, डीए अलाउंसेस जो भी, वो सब पहले मिला होगा, तो आपको अनकम्यूटेड मिला 40,000, और कम्यूटेड जो इकट्ठा पैसा मिला है बल्क में वो मिला 7,500,000। इसका क्या ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि कंपनी की तरफ से 7,500,000 मिले, कंपनी की तरफ से 40 मिले, तो उसके लिए मैं आपको शायद बता चुका हूं, इधर आ जाओ, आप इंप्लॉय थे, अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल होता है, कम्यूटेड में चेक करना है गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, तो मैं पहले यहां पे बना लेता हूं पेंशन के बारे में, ये आपका पेंशन, इसी के अंदर मैं दिखाऊंगा अनकम्यूटेड और कम्यूटेड भी, ठीक। तो अनकम्यूटेड तो मुझे पता लग गया ना कितना है, और अनकम्यूटेड ऊपर से क्या होता है, अनकम्यूटेड अभी बताया था आपको, अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल होता है, पूरे पे टैक्स भरोगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। तो अनकम्यूटेड जो था आपको 12, यहीं पे वर्किंग नोट बना सकते हो, या अगर जगह है तो 12,500 शुरू के 2 महीने एंड प्लस, फिर 12,500 का 40% होता है 5,000 इंटू लास्ट के 3 महीने, ये डायग्राम ध्यान देना यार, ये इंपॉर्टेंट था, नवंबर से बनाया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक। तो कितना 40,000 फुली टैक्सेबल। अब आपको जो कम्यूटेड मिला, कम्यूटेड कितना मिला है 7,500,000, कम्यूटेड में माफी है, गवर्नमेंट वाले के लिए फुल्ली माफ, नॉन गवर्नमेंट वाले के लिए माफ, थोड़ा थोड़ा माफ, लेकिन माफी तो है। तो आपको कम्यूटेड मिला है 7,500,000 रुपए, अभी देख लेंगे कौन सा केस है, लेकिन माफी है, फॉर्मेट डिजाइन तो कर सकता हूं, यहां पे माफी दिखा दी, और जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद हम इसे टोटल करेंगे, और यहां आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी, ठीक है जी, ये ऐसे करना है। अब बता दो मुझे कौन सा केस है कम्यूटेड वाला, तो पढ़ लेते हैं पहले ऊपर से। तो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट को मिल, गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय क्वेश्चन में, नॉन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोला, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ एम्प्लॉय देन क्या लेंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेंगे, ठीक है, ज्यूम कर लेते हैं कि वो नॉन गवर्नमेंट है। और नॉन गवर्नमेंट में ग्रेचुटी मिला है या नहीं मिला है, ग्रेचुटी तो मिला है ये तो हमें पता है, अभी मिला था ना ग्रेचुटी 6 लाख रुपए, तो कितनी एग्जम्पशन मिलेगी ग्रेचुटी रिसीव्ड हुआ है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, टोटल पेंशन का मतलब ये गुल्लक जो थी, और ये आपको पता है टोटल पेंशन कितनी है 12,500,000। कैसे आया 12,500,000, 7,500,000 को आपने 60% से डिवाइड करा था, समझ रहे हो ना, तो टोटल पेंशन का 1/3 आपको एग्जम्पशन मिलेगा, तो टोटल पेंशन थी आपकी 12,500,000। अच्छा 12,500,000 आई कैसे, उसको भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे, आपका जो 7,500,000 था आपने 60% से डिवाइड मारा तो 12,500,000 आया, उसका 1/3 आपको एग्जम्पशन मिलेगा, कितना बन रहा है जरा कैलकुलेट करो, 7,500,000 डिवाइड बाय 60% तो हुआ 12,500,000 डिवाइडेड बाय 1/3 तो 416667, राउंड ऑफ कर दो, आपका भी यही आ रहा होगा, इसको राउंड ऑफ कर दो, डरा मत करो बस पॉइंट्स में आता है तो बच के कितना आएगा 3,33,333 ये आएगा, टोटल कर लो इसका, टोटल भी मैं ही करूं क्या, 1,75,000 प्लस 35,000 3,48 प्लस 40,000 प्लस 33 ये आ जाएगा आपका 9,31,333 क्लियर है। तो प्रेजेंटेशन का भी ध्यान देना, यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा, तो पेंशन का पार्ट इंपॉर्टेंट था, पेंशन वाला जो पोर्शन है उसमें पहले आपने अनकम्यूटेड को फुली टैक्सेबल कर लिया, ये कैसे पता कर पाए, जब आप ये छोटा सा डायग्राम ये ग्राफिक फॉर्म बनाना सीख जाओगे,
इसे पर मंथ मिला, फिर इसने अपनी गुल्लक का 60% निकाल लिया, 7.5 लाख। तो ये गुल्लक में कितना पैसा था ये इसलिए कैलकुलेट करा क्योंकि आगे काम आना था। यहाँ पर ये जब टोटल पेंशन का ये आप 1/3 या 1/2 निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए पहले से ही टोटल पेंशन कितना है। तो मैंने निकाल के रख दिया था, आपने पता कर लिया मेरे को अनकम्यूटेड पेंशन कितनी मिली, 40। अब इसका क्या करेंगे, तो अनकम्यूटेड पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, लेकिन कम्यूटेड जो मिली है 7.5 लाख, अगर ये गवर्नमेंट होता तो पूरा माफ, यानी 7.5 लाख में से 7.5 लाख घट जाता, डैश आ जाता। और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो 1/3 ऑफ या फिर 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, वही हमने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, तो टोटल पेंशन निकालने का तरीका है जो आपको मिला है। देखो यार, खुद का फॉर्मूला बनाओ ना टोटल पेंशन निकालने का क्या तरीका है। यहाँ देखो, कहाँ दिखाऊँ मैं आपको, यही दिखा देता हूँ, आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। भाई टोटल पेंशन कैसे आएगी, आपने क्या करा, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 60%। 7.5 लाख क्या था, जो आपको कम्यूटेड पेंशन मिला, जो आपको कम्यूटेड पेंशन मिला रुपीज की फॉर्म में, ऐसा था ना, एंड डिवाइडेड बाय 60%। 60% क्या था, जितना परसेंट आपने कम्यूट करा, तो परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ऐसे करके खुद का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बनाना है यार, लॉजिकली कॉमन सेंस से निकालो ना, ये फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ा करो। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये डाउट है तो नीचे कमेंट्स करना, और पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, नहीं तो डिसलाइक तो है ही वहां पे। सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं करा है, बेल आइकन बटन दबाकर, और दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सबकी मदद करो, घर में रहो, लॉकडाउन चल रहा है। एक और क्वेश्चन करेंगे, जब तक इसको आप नोट कर लो। लो जी, नया एग्जाम्पल आ गया आपके लिए, फिर से एक झन्नाटेदार वाला एग्जाम्पल है, 50, बहुत ईजी होगा। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट वही है। एग्जाम्पल 15 में बोलता है कि मिस्टर सागर जी हैं जो कि रिटायर हुए 1/10/2018। 1/10/2018 को रिटायर हुए हैं का मतलब क्या है, जरा यहां देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक, और 1/10 लगभग लगभग बीच में आता है, तो कितने महीने आगे बच रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। ठीक है, इससे पहले महीने इन्होंने इतने काम किया होगा, फिर ये रिटायर हुआ। ठीक है, अब 1/10/2018 को ये रिसीव्ड कर रहे हैं 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन। अच्छी बात है, हर महीने 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, ऑन 1 फरवरी 2019 ही कम्यूटेड 60%। ये लो जी, फरवरी को उन्होंने फिर से कम्यूट कर लिया 60% अपनी पेंशन का, और रिसीव्ड कर लिया 3 लाख रुपए एज अ कम्यूटेड पेंशन। इनका दिमाग खराब हुआ कब, 1 फरवरी को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, मतलब यहां पर अपनी गुल्लक का जितना भी पैसा था उसका 60% इन्होंने निकाल लिया, और जो कि कितना मिला इनको, 3 लाख रुपए। यही तो बोला क्वेश्चन में, जो 3 लाख रुपए मिला है। कई बच्चे पता है और ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो लाइन नहीं पढ़ेंगे, वो पता है क्या करेंगे, 3 लाख का 60% मिला है। अरे नहीं भैया, टोटल पेंशन का 60% मिला है जो कि 3 लाख है, ऐसे समझो। क्लियर है, तो यहां तक हम पहुंच गए। मांग क्या रही है हमसे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, कंप्यूट क्या करना है, हिज टैक्सेबल पेंशन। सिर्फ पेंशन कैलकुलेट करना है, पेंशन कैलकुलेट करना है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि आपने जो ये नीचे ये सब खिचड़ी पकाई थी ना, ये पेंशन वाली, सिर्फ पेंशन वाली, यहां से यहां तक की, बस ये कैलकुलेट करो, ऊपर का कुछ नहीं करना। ठीक है, हम सिंपल पेंशन ही निकाल लेते हैं फिर। लेकिन यहां पे कंडीशन है, एज्यूम करो, मान के चलो, थोड़ा तबीयत खराब है भाई, बोला भी नहीं जा रहा फिर से। ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एंड ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और उनको ग्रेचुटी मिला है 5 लाख रुपए। ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉट रिसीव्ड अ ग्रेचुटी, उन्हें ग्रेचुटी नहीं मिला। तो तीन केस कुल मिला के हमें फॉर्मेट बनाना है, तीन केस वाला, मैंने तो बना लिया, आप भी ऐसे बना लो। ठीक, अब इसके अंदर वही हेडिंग क्या मिला, पेंशन। अब वो भी दो फॉर्म में होगा, एक तो अनकमिटेड मिला है जो पर मंथ मिलता है, साफ पता है हमें 5,000 रुपये हर महीने मिल रहे थे, और एक कम्यूटेड पे मिला है, इसके अंदर तो माफी भी होती है, देख लेंगे अभी क्या चल रहा है। ठीक, अच्छा, जो कम्यूटेड के अंदर माफी होती है उसको ना हम यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, एक के लिए तो दिखा देते लेकिन तीनों के लिए नहीं दिखा पाएंगे, तो इसके लिए भी हम वर्किंग नोट पर ही जाएंगे, इसके लिए भी हम वर्किंग नोट पर ही जाएंगे, दोनों के लिए हम वर्किंग नोट पर जाएंगे। क्लियर है, दोनों के लिए हम वर्किंग नोट पर जाएंगे, एंड देन टोटल कर लेंगे तो आपके पास कितनी पेंशन आपकी टैक्सेबल आ रही है वो पता लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले
जो मैंने बनाया था इसको, कहाँ बनाया था हमने, अभी अभी बनाया था ना यार, वो कहाँ चला गया, ये वाला पार्ट ये समझना है। यहां से हमें पता लगाना है, देखो 3 लाख रुपए तो मोटे मोटे सीधे दिख रहे हैं, ये आपकी कम्यूटेड पेंशन है, और जो आपको 5,000 रुपये हर महीने मिल रहे थे, जो कि आपको 1, 2, 3, 4 शुरू के 4 महीने तो 5,000 सीधे सीधे मिले होंगे, 5 ही हजार थे ना, अरे 5 ही हजार थे भाई कि नहीं, 5 ही हजार थे, हाँ सरकार ने जो तय कर रखा था इस गुल्लक के हिसाब से 4 महीने तक। लेकिन बाद में इस पर्सन का दिमाग खराब हो गया था और इसने अपनी टोटल पेंशन का 60% निकाल लिया, तो अब जो है 40% बचा रह गया, तो मतलब आप, आपको 5,000 का 40% मिला करेगा, पूरा 5 नहीं मिलेगा ना, आपने अपनी गुल्लक भी तो तोड़ी है, तो इसका 40% होता है कितना, 2,000 रुपये, वो मिलेगा आपको अगले 2 महीने तक, अगले 2 महीने तक, तो ये कितना आया, 5 चौके 20,000 इंटू, अरे यार इंटू नहीं प्लस, ठीक है, और ये 2,000 इंटू ये हो गया आपका 4,000, तो कितना हो गया, 24,000। पहले सोच रहा था वीडियो नया बनाऊं, तभी थोड़ी ज्यादा लग नहीं रहा, बोला नहीं जा रहा, मेन चीज है गले में दर्द हो रहा है, ठीक है चलो, लेकिन कोई बात नहीं, घर में बैठ के खाली करना भी क्या है, कुछ तो करो। तो 24,000 आपका जो है ये आ गया अनकम्यूटेड पेंशन, और वो है ऊपर कम्यूटेड पेंशन, ठीक। मैं 1 मिनट दूसरे पेन से आपको सर्कल कर देता हूँ, यहाँ पे एक ये है और एक ये, अभी जो मिले हैं, जो ये पैसा हमें मिला है, इसका करना क्या है, क्योंकि कंपनी मालिक से जब हमें कुछ मिलता है तो वो उसकी ट्रीटमेंट हम यही तो सीख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था अनकम्यूटेड वाला, अब आप अपना वो चार्ट खुद देखो, मैं नहीं दिखाने वाला। अनकम्यूटेड पेंशन तो फुली टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, और हमारे जो ये 3 केस बने हैं ये इसीलिए तो बने हुए हैं, यहाँ जो मैंने 3 केस बनाए, अगर वो गवर्नमेंट हुआ, नॉन गवर्नमेंट हुआ, नॉन गवर्नमेंट हुआ, ग्रेचुटी मिला या नहीं मिला, ये सब देख रहे हैं हम। तो अनकम्यूटेड पेंशन में जो 40,000 कितनी बन के आई थी, अनकम्यूटेड बन के आई थी 24,000, 24,000 ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा कोई सा भी एम्प्लॉई हो, तो 24,000 चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, डजेंट मैटर, 24,000, 24,000 ये वर्किंग नोट में क्या बनाओगे आप, क्या बनाओगे वर्किंग नोट में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वर्किंग नोट में क्या बनाओगे, अनकम्यूटेड पेंशन फुल लिख देना, 5,000 × 4 + 5,000 का 40%, समझ रहे हो, इंटू 2, तो ये हो गया 20,000, और ये हो गया 2,000 और 4,000, तो ये टोटल हो गया 24,000, इसको फुली टैक्सेबल दिखाना है, ठीक है। अपनी राइटिंग थोड़ी साफ कर लेना, मैंने फटाफट से बताया है, डन, यहां तक हो गया। अब चलते हैं कम्यूटेड की तरफ, तो कम्यूटेड पेंशन हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपने इकट्ठा निकाला, टोटल पेंशन का 60% 3 लाख। अच्छा पहले तो मुझे ये भी बता दो, टोटल पेंशन है कितनी आपकी, कितनी रही होगी, सिंपल 3 लाख डिवाइड करो ये 60% से, तो कितना आएगा, ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% निकल कर आएगा 5 लाख, मेरे तो 5 लाख आ रहा है, तो मतलब उस गुल्लक में 5 लाख थे जिसका 60% 3 लाख मिला, और चेक करके देख लो 3 लाख ही आएगा ना, 5 लाख का 60% 3 लाख ही होता है, तो 3 लाख जो मिले हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं ना नीचे वर्किंग नोट बनाऊंगा इसके लिए, और कैसे वर्किंग नोट बनाऊंगा वो भी आप देखो यहाँ पे जरा, वही 3 केस बनाऊंगा, केस नंबर ए बी सी, वर्किंग नोट कम्यूटेड पेंशन के लिए फुल फॉर्म लिखना है, कितना रिसीव्ड हुआ और उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा, यही तो है, यहाँ एग्जेम्प्ट दिखाएंगे हम ऐसे, यहाँ पर भी हम एग्जेम्प्ट दिखाएंगे ऐसे करके, तो आ जाओ फिर फटाफट मुझे बता दो कितना रिसीव्ड हुआ है, अभी बताया था ना, तो 3 लाख रुपए रिसीव्ड हुआ है, क्वेश्चन में भी तो ये लिखा हुआ था, आपको 3 लाख रुपए कम्यूटेड पेंशन मिला है, क्वेश्चन भी देख लो, लो यहाँ लिखा हुआ था ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव्ड 3 लाख एज अ कमीशन कम्यूटेड पेंशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 लाख रुपए मिले, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 3 लाख 3 लाख 3 लाख, कितना घटेगा वो देख लेते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि ये कौन है, क्यों, क्योंकि जो हमारा कम्यूटेड वाला, मैं दिखाई देता हूँ आपको यहाँ पे, जो मैंने बनाया था
अनकमिटेड तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, कमिटेड वाला गवर्नमेंट वाले के लिए पूरा माफ है, नॉन गवर्नमेंट वाले के लिए चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो कम देखते हैं ये केस में हमारा कौन सा आ रहा है। आजो, पहला है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कम्यूटेड पेंशन जो आपको मिला है वो पूरा माफ हो जाएगा इकट्ठा, तो डैश आएगा पहले वाला, तो डैश आएगा, कोई टैक्स नहीं देना, इनके तो मजे आ गए भाई। दूसरे वाले में ये क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट है और ग्रेचुटी भी मिला हुआ है, ठीक है? अब ग्रेचुटी मिला वो हमें यहाँ नहीं दिखाना, हमें उसका यूज करना है। तो ग्रेचुटी अगर मिला होता है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, और टोटल पेंशन कितनी है, कितनी थी टोटल पेंशन, क्या ढूंढ रहे थे हम अभी? टोटल पेंशन 5 लाख है, तो 5 लाख का 1/3, 5 लाख का 1/3, 5 लाख का 1/3, जरा मुझे कैलकुलेटर दो, 5 लाख का 1/3, 5 लाख लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 3, तो पॉइंट में आता है, डरा मत करो, 1,66,667, तो बच के कितना आएगा, 3 लाख माइनस 1,66,667, ये आएगा 1, इतने पे ये टैक्स भरेगा बी वाला जो एम्प्लॉय है, 1,33,333, ठीक है जी? और तीसरे में क्या है, तीसरे में है नॉन गवर्नमेंट और ग्रेचुटी भी नहीं मिला है, तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन। तो टोटल पेंशन कितनी थी अभी तो बताई थी, ढूंढो जरा इसमें से टोटल पेंशन कितनी है, कितनी है, 5 लाख, तो 5 लाख का हाफ कर दो, 5 लाख का हाफ कितना हो जाएगा, ओ मेरा पेन को क्या हो रहा है, अरे यार आई थिंक पेन हो गया डेड, चलो कोई नहीं दूसरा ले लेते हैं, 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो कितने पे टैक्स भरेगा ये, 50,000 पे टैक्स भरेगा, तो ऊपर लिख दो 50,000, बस अब टोटल कर लेना, समझ रहे हो? तो ऐसे करना है, तो ऐसे हमें पेंशन की जो है ट्रीटमेंट करनी है। अनकम्यूटेटिव वाला तो फुली टैक्सेबल हो गया, एक बार निकाल लो, पता कर लो कि आपको अनकम्यूटेटिव मिला कितना है, पहले 4 महीने 5,000, फिर आपको थोड़ा कम मिला क्योंकि आपने अपनी गुल्लक तोड़ दी थी, तो पूरे साल भर में आपको जो पेंशन मिला वो मिला 24,000 रुपये, ठीक, अनकम्यूटेड फॉर्म, ये फुली टैक्सेबल होता है। और जो कम्यूटेड मिला 3 लाख, इसके लिए केस था, गवर्नमेंट वाले के लिए फुल्ली एग्जाम था, नॉन गवर्नमेंट के लिए चेक करना पड़ता है ग्रेचुटी मिला है या नहीं मिला है, क्लियर? अच्छा एक चीज थोड़ा सा ना, हम आगे चल, एक स्टेप आगे चलते हैं, इसका जो अगला साल शुरू होगा उसमें इसको फिर हर महीने 12 के 12 महीने जो पेंशन मिली होगी वो कितनी मिली होगी, 5,000 जो था, 5,000 का 40% यानी 2,000 रुपये हर महीने मिली होगी। तो अगले साल जब ये हेड ओपन करेगा तो फिर अगर ये फिर से कम्यूट एक ही बार करवाएगा ना, कम्यूट अब थोड़ी ना करवाएगा, तो इस साल की जो टैक्सेबिलिटी अगले साल होगी वो कैसी होगी, अनकम्यूटेड पेंशन 2,000 × 12 और क्या आ जाएगा, 24,000 फुली टैक्सेबल, और यही हो जाएगी इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि इसे मालिक से और तो कुछ मिलेगा नहीं भाई, इस साल तो इसे चलो मिला भी होगा, बेसिक भी मिला होगा क्योंकि ये बच रहा था, अगले साल तो इसे सिर्फ क्या मिलेगा, कंपनी की तरफ से पेंशन, तो सैलरी हेड में सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ पेंशन दिखा करेगा अगली बार से, अगले साल से। तो ये मैंने एक स्टेप आपको और सोचने को बताया आगे, कि अगर आगे इन फ्यूचर ये कैसे अपने सैलरी हेड दिखाएगा, तो ये सैलरी हेड में सिर्फ अपनी अनकम्यूटेड पेंशन दिखाता होगा, दिखाएगा, ठीक है? खैर वो आउट ऑफ द सिलेबस था, अभी मेरे को बस आपको ये बताना था कि पेंशन की ट्रीटमेंट कैसी होनी है, और पेंशन की ट्रीटमेंट आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं तो डिसलाइक है वहां पर, जिंदाबाद। और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, बेल बटन दबा दो, दोस्तों में शेयर करो, घर में बैठे रहो, अपना ध्यान रखो, सैनिटाइज करते रहो, हाथ धोते रहो, और बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करो जब तक कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी काम ना हो, ठीक है? तो चलते हैं अभी इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, ये आप इसको नोट कर लेना पेंशन का, अगर आप ये सब यार ये बना लेना ये फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ठीक है फिर चलते हैं अगली वीडियो में, हम लेकर आएंगे लीव सैलरी जो कि लास्ट होगा इस सैलरी सीरीज का, और जो बचा कुचा है उसको भी मैं एक वीडियो में जरूर दूंगा, बचा कुचा दो ही चीजें आपको पता है क्या चीजें हैं। चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए।